वेलकम टू पिकअप मैथ्स, माई सेल्फ अरुषि चतमान। इस वीडियो में हम चैप्टर 10 सर्किल्स के एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, आपको दो सर्किल गिवन है, एक बिगर वन एंड द स्मॉलर वन। ये दोनों सर्किल्स के रेडियस हमें पता है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब ये दोनों सर्किल इंटरसेक्ट हो रहे हैं टू पॉइंट्स में, ए और बी में। इनके सेंटर्स हैं ओ और पी। ओ पी जो है इनके सेंटर्स का डिस्टेंस हुआ और डिस्टेंस गिवन है 4 सेंटीमीटर। आपको इनके कॉमन कॉर्ड यानी कि ए बी का लेंथ पता करना है। ए बी जो है इनका कॉमन कॉर्ड है और ए बी का लेंथ को पता करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि ये बिगर सर्किल का रेडियस है। बिगर सर्किल का रेडियस मतलब ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब वैसे ही ए पी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये स्मॉलर सर्किल है तो इसका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। और ओ पी जो है, ओ पी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। देखिए यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर आपको ये गिवन है और पी ए इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है, ये भी गिवन है। और ओ पी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपने यहाँ पे भी लिखा है। ओ पी मतलब दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लेती हूँ, ओ एम यानी कि ओ एम जो है ए बी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है और उसी तरीके से पी एम भी ए बी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। और ए बी जो है ए एम का ट्वाइस है। इसका रीज़न मैं भी बताती हूँ क्यों होगा ये। आपने 10.3 के एक्सरसाइज 10.3 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व किया था, तब आपने क्या पढ़ा था कि इफ़ टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट्स देन देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉमन कॉर्ड। दैट मीन्स ये ओ पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी होगा। तो ओ पी यानी कि आप ओ एम को भी परपेंडिकुलर लिख सकते हैं और पी एम को भी परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। और ओ पी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स एम जो हो गया मिड पॉइंट। अब एम अगर मिड पॉइंट है तो ए एम जो है वो क्या हो गया, ट्वाइस। ए बी जो है वो ए एम का ट्वाइस होगा, ए एम जो है उसका ए बी का हाफ है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम। तो मैंने ये क्यों लिखा है, अब इसका रीज़न मैंने समझा दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे ओ एम और ओ पी एम को अलग अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो मैं पी एम को अगर मान लेती हूँ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - x। तो यहाँ पे ले लीजिए, लेट पी एम इज इक्वल्स टू एक्स, देन ओ एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 - x। अब मैं ट्रायंगल ए एम ओ को लेने वाली हूँ। तो इन ट्रायंगल ए एम ओ, अब देखिए यहाँ पे एम 90 डिग्री है क्योंकि आप कह रहे हैं ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो दिस एंगल कितना हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री है दैट मीन्स इसका ये साइड हो गया अपोजिट साइड और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। 90 डिग्री का अपोजिट साइड हो जाता है हाइपोटेनियस। और ए एम और ओ एम ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा है, इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर। तो ए एम तो आपको नोन नहीं है, तो आपको ए एम को एज इट इज लिख लीजिए। अब ओ एम को अभी आपने कितना लिया था, 4 - x। तो आप इसको 4 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ओ ए अभी आपने लिया था 5 सेंटीमीटर, तो आपको ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए एम स्क्वायर, ये 4 - x जो है वो ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 4 × x, 2 × 4 = 8, 8 × x = 8x। तो माइनस 8x इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25।
अब सेंस ए एम को यहीं पे रहने दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी टर्म्स को हम इस साइड ले आते हैं। तो 25 ये 16 इस साइड जाके हो जाएगा माइनस 16, वैसे ही एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 8x हो जाएगा प्लस 8x। 25 माइनस 16 स्टूडेंट्स कितना होगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 9, और माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे और 8x को भी एज इट इज़ लिखेंगे। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेती हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं दूसरा वाला ट्राइंगल लेने वाली हूँ, ट्राइंगल ए एम पी। तो इन ट्राइंगल ए एम पी, अब देखिए इस साइड ये वाला अब 90 डिग्री, क्योंकि पी एम परपेंडिकुलर था ए बी में, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ए पी हो गया आपका हाइपोटेनियस, और ए एम परपेंडिकुलर और पी एम बेस। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में आपको वही सेम लिखेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ए एम को तो आपको नोन नहीं है, आप ए एम को एज इट इज रहने दीजिए। पी एम अभी आपने कितना लिया था, पी एम लिया था एक्स, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर। और ए पी, ए पी मतलब इस सर्किल का जो है रेडियस है, आप इसे ए पी कहें या पी ए कहें सेम चीज़ है, तो यहाँ पर जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब मैं ए एम स्क्वायर को इस तरफ ही रहने देती हूँ, बाकी एक्स स्क्वायर उस तरफ ले जाती हूँ। एक्स स्क्वायर उस तरफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। अब स्टूडेंट्स आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर एम स्क्वायर राइट लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड को आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसका इक्वेशन क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और इस साइड का इक्वेशन क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, अगर मैं इस 9 को उस साइड ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, माइनस 9। तो 9 माइनस 9 मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहीं पे से कैंसिल कर देती हूँ। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर है, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो मैं उसे यहीं पे कैंसिल कर देती हूँ। अब क्या बचा हमारा, सिर्फ 8x, और इस साइड कुछ नहीं बचा दैट मीन्स 0। तो 8x इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0/8, या फिर आप इसे 0 ही कह सकते हैं। तो x इक्वल्स टू आ गया 0। अब x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में जैसे पुट कर रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। अब x इक्वल्स टू 0 अगर इसमें पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर मतलब 0 ही होगा, तो 9 आएगा, 9 माइनस 0 मीन्स 9 आ गया। तो ए एम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए एम जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट मीन्स हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब ए एम अगर 3 सेंटीमीटर आया तो ए एम का ट्वाइस था ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम, दैट मीन्स 2 इंटू ए एम का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे 3, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आपने ए बी कॉर्ड का लेंथ को फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 को इस तरीके से सॉल्व करना है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के। टिल देन बी सेफ एंड गुड बाय।